पहाड़ी पर है किला कालिंदर का। ये पूरी पहाड़ी है इसके ऊपर किला बना हुआ है कालिंदर को। तो यहाँ पे अब उनको जाना है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज के नए व्लॉग में। और मैं हूँ इस टाइम कालिंजर फोर्ट में। कालिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है, चित्रकूट से सतना जाते हुए रोड पे पड़ता है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अभी कालिंजर फोर्ट। कालिंजर फोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट है। और ये जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था अजयगढ़ फोर्ट, तो कालिंजर फोर्ट और अजयगढ़ फोर्ट एक ही टाइम के हैं। आज यहाँ पे ना एक मेला लगा हुआ है, तो मेले की वजह से काफ़ी भीड़ है। तो ये देखिए, ये यहाँ पे मेरी रेड बुल खड़ी हुई है। और ये यहाँ पे एक महल है, धूप थोड़ी कम होती जा रही है। और ये यहाँ पे देख रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए ये सभी लोग मेरे को मिल गए कालिंजर फोर्ट में, बहुत ही उत्साहित हैं, एक दूसरे से जानकारी भी दे रहे हैं मेरे को और खूब जयकारे भी लगा रहे हैं। आज यहाँ पे लोकल मेला लगा हुआ है, तो ये खूब सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे और नीलकंठ महादेव की जयकारे भी लगा रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए, ये पूरा कालिंजर फोर्ट से व्यू है नीचे का। बहुत बड़े फोर्ट जो हैं हिंदुस्तान के, उनमें से एक कालिंजर फोर्ट आता है। बहुत बड़ा किला है। इस किले पे तो मेरी बाइक आ गई है, तो मैं उससे घूम पा रहा हूँ। अदरवाइज अगर पैदल घूमने का सीन होता है तो कम से कम 2 दिन चाहिए इस किले को घूमने के लिए। ये सामने है चौबे महल और ये दूसरे मंदिर हैं सामने, कुछ महल हैं। ये है चौबे महल, इसकी जानकारी है यहाँ पे, आप पहुँच करके पढ़ सकते हो। और ये बना हुआ है सामने चौबे महल, देख रहे हो। ये वो अपना कुंडली टाइप का कुछ बना हुआ है और ये काफ़ी सारा वर्क भी हो रखा है यहाँ पे दीवारों के ऊपर। और ये बड़ा पुराना सा स्ट्रक्चर है। और देखो इसकी दीवार, देखो दीवार, देख लो कितनी मोटी है दीवार। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर है अंदर। ऊपर जाने का रास्ता भी है। और ये देखो दीवार कितनी मोटी है इसकी। कुछ इस टाइम कुछ इधर भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं यहाँ पे, टोम टाइप के। यहाँ पे बना हुआ है रानी महल, ये रानी का महल है। यहाँ पे एक तालाब है और इस तालाब के किनारे पर ही ये है रंग महल। यहाँ पे निश्चित ही सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ होते रहते होंगे, इसीलिए इसको रंग महल नाम दिया गया है। ये है कोटी तीर्थ जलाशय। यहाँ पर देखिए एक विष्णु भगवान की प्रतिमा है लेटी हुई, लेकिन वो खंडित है, कुछ ही अवशेष उसमें बचे हुए हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी प्रतिमाएं हैं खंडित जो यहाँ पड़ी हुई हैं, देखिए। ये इधर ऊपर एक पैलेस है, इधर ये सरोवर में उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और यहाँ पर एक शिव जी का मंदिर भी है, इसमें पुरातत्व विभाग का ऑफिस संचालित है, जो किस टाइम हो गया है बंद।
एक यहाँ पे है जानकी तालाब, किनारे पे एक छोटा सा रूम भी बना हुआ है। निश्चित रूप से ये उस टाइम पे रानियों के नहाने का स्थान होगा। यह है नीलकंठ महादेव का मंदिर कालिंजर फोर्ट के अंदर। ये देखिए, यहाँ से नज़ारा देखिए पूरे किले का। ये छोटा सा गेट और बिल्कुल खड़ी सीढ़ियाँ मंदिर जाने के लिए। और ये देखिए, ये कुछ मूर्तियाँ हैं जो कि खंडित हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक मूर्ति है जो धनुष लिए हुए है। ये संभवतः श्री राम की मूर्ति है। और इधर ये तीर चलाते हुए एक मूर्ति है, उधर एक स्त्री पुरुष की मूर्ति है, संभवतः कि वो राधा कृष्ण की हो। और इधर नंदी के साथ एक पुरुष खड़े हुए हैं, एक नीचे मूर्ति है, और बराबर में हनुमान जी की मूर्ति इसी तरीके की है, लेकिन उस पर चोला चढ़ा दिया गया। इधर भी मूर्ति है, तो ये चोला चढ़ा दिया गया है। पर मूर्ति कोई प्राचीन है, शिला पे उकेरी हुई। और ये आप गौर से देखोगे तो हनुमान जी ने ना किसी के ऊपर पैर रखा हुआ है, और ये मेरे ख्याल से रति है, कामदेव और रति वो हैं, क्योंकि मैंने इसी तरीके की एक मूर्ति मुरैना जिले में बटेश्वर में भी देखी है। ये देखिए, ये कि यहाँ पे शिवलिंग है, और शिवलिंग का महत्व देखिए कि ऊपर से अपने आप ही पानी कहीं से आ रहा है, और देखिए शिवलिंग पे आ रहा है, अभिषेक हो रहा है। हर हर महादेव। ये देखिए नंदी महाराज हैं, और नंदी महाराज के ऊपर शिवलिंग भी विराजी हुई है। ठीक है, मैंने अजयगढ़ फोर्ट वाले ब्लॉग में आपको दिखाया था, और ये भी बताया था कि ये दोनों एक ही समय के किले हैं। हालांकि इतिहास दोनों किलों का नहीं पता है कि कब बने हैं, लेकिन एक ही समय के किले इसलिए हैं क्योंकि पास पास हैं, और सभी जो स्टैचू हैं वो एक ही प्रकार की हैं। ऐसे स्टैचू मैंने आपको अजयगढ़ फोर्ट में भी दिखाई थी, और ऐसे ही कुंड पानी के मैंने अजयगढ़ फोर्ट में दिखाए थे, उसमें भी कुंड बने हुए हैं, और यहाँ पर भी उसी प्रकार के पानी के कुंड बने हुए हैं। देखिए इन शिलाओं पर देखोगे तो आपको वहाँ शिवलिंग है, उसके ऊपर एक मंदिर के मुख दरवाजे की आकृति है, इधर भी एक मंदिर के द्वार की आकृति है, इधर भी शिवलिंग बना हुआ है, नीचे आप आएंगे तो नीचे भी शिवलिंग बना हुआ है। तो पूरी शिलाओं पर आकृतियाँ उकेरी हुई हैं, और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको शिवलिंग और ये सब मिलेंगे, और उधर कुछ देवनागरी लिपि में कुछ लिखा भी हुआ है। इधर भी शिवलिंग है, यहाँ पर भी कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये देखिए, और ऊपर भी कुछ मूर्तियाँ उकेरी हुई हैं। देखो आप, ये तो जहाँ तक है चामुंडा की मूर्ति है, इसी तरीके की मूर्ति मैंने खजुराहो में भी देखी थी। नंदी महाराज की मूर्ति है, काफी सारी मूर्तियां पत्थरों पर बनी हुई है। यहाँ पर भी काफी सारी मूर्तियां बनी हुई हैं। फुटबॉल लगा लीजिए।
आप देख सकते हो। आप देखिए कि यक्ष जो होते थे वो वजन को अपने ऊपर लेते थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये यक्ष दिखाए हुए हैं। और संभवतः है कि ये इसका मंडप पूरा नहीं हो पाया है और ये मंदिर है। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे नारियल पड़े हुए हैं, अंदर मंदिर है नीलकंठ महादेव का, कितने सारे नारियल यहाँ पे हैं चढ़ाए हुए, ये आप देखिए। ये यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हुई हैं, ये 12 भगवान की मूर्ति है, इधर भी मूर्ति बनी हुई है कुछ। ये है नीलकंठ महादेव की प्रतिमा, कालिंजर किले के अंदर आप दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही विशाल प्रतिमा है बाबा की, एक प्रतिमा इधर भी है, ये आप देखिए। और ये माता रानी है, ये आप देखेंगे बाबा के गले में से जल निकलता रहता है। आप लोग सब भी साथ में हैं? आप लोग भी साथ में? मैं नीलकंठ बाबा जी का पुजारी हूँ और यहाँ भोलेनाथ की नगरी है। प्रभु के दरबार में जो आता है बाबा उन्हीं को बुलाता है। जब बाबा भक्ति से भक्ति से खुश होते हैं या भक्ति पीड़ित होता है तो बाबा बुलाते हैं। दो रास्ता है बाबा के पास, और बाबा के दर्शन के लिए बहुत समय लगता है। लोग सालों से दसों साल से बाबा के परेशान रहते हैं कि उनको दर्शन हो जाए, मगर बाबा का ऐसे संयोग है कि एक तो लोग आते नहीं, जो लोग आएंगे बाबा के बगैर मर्जी से तो बाबा की मर्जी से आने में उनको बहुत बाधाएं आएंगी रास्ते में, और यहाँ जब आ जाएगा तो मंडप से वो लौट जाएगा, यहाँ से सामने से लौटेगा। और जब बाबा बुलाएंगे तो आप जा कहीं रहे हैं आ जाएंगे आप बाबा के दरबार में अटेंडम। प्रभु ये नीलकंठ महाराज ये शंभू हैं, ये प्रभु माता जी का पहले स्थान था, माँ काली का स्थान था। तो बाबा जब यहाँ आए हैं तो माता जी से कहा, तो माता जी ने कहा कि मैं आप इधर विराजमान होंगे, मैं कलकत्ते जाऊँगी, तो माता जी कलकत्ते विराजमान हूँ। तब ये शंभू हैं भोलेनाथ यहाँ विराजमान हूँ। इनका नाम नीलकंठ तब पड़ा है जब इन्होंने जहर पान किया है, समुद्र मंथन हुआ है, तब इन्होंने जहर का धारण किया है, इनका कंठ नीला पड़ गया था, तभी से इनका नाम नीलकंठ हो गया। नहीं, ये शंभू है, ये मुखारबिंद मूरत है। आपको इंडिया में पहली मूरत के दर्शन होंगे, शिवलिंग के हर जगह हो जाएंगे, पंचमुखी के हर जगह हो जाएंगे, मगर मुखारबिंद के दर्शन नहीं होंगे। ये है बाबा का मंदिर, गुफा के अंदर मंदिर है बाबा नीलकंठ महादेव का। ये देखिए पूरी नीचे तक प्रतिमा है, पहाड़ काट के बनाई हुई है।